हेलो डॉक्टर साहब, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। अगर तुम खूबसूरत बात कर रही हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, मेरी माँ ने कहा था कि किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना, अब माँ की बात कैसे टाल सकता हूँ मैं? मैं बुलबुले वाली खूबसूरत बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, आप जल्दी से आ जाए, नबील की आँखें चली गई हैं। कहाँ चली गई भाई? अरे नबील की आंखों की रोशनी चली गई है यार, आप फौरन आए। अच्छा ठीक है, मैं अपने औजार लेकर फौरन पहुँचता हूँ। अल्लाह हाफिज। औजार? महमूद साहब, वो तो कह रहे हैं मैं औजार लेके पहुंच रहा हूँ। हाँ, यार महमूद साहब, वो मैंने उसे इलाज नहीं कराना, वो औजार लेके आ रहा है, मुझे नहीं ठीक कराना से यार। नबील, मैं कुछ दरवाजा तोड़ा हूँ यार। अरे तो मैं तो कुंडी हूँ जो खोल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माँ जी? मुझे क्या पता तेरी माँ कैसी है। अरे माँ जी तो मैं आपको कह रहा हूँ भाई। चुप है, अपने से 8 साल छोटी लड़की को माँ कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती हैं? अच्छा भाई, नहीं कहता माँ जी, अब बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी कभी सांस फूल जाती है। अच्छा आ गए, एक मिनट आ गए। अरे नहीं नहीं नहीं, गहरे गहरे सांस ले भाई, गहरे गहरे। वाह 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 वाह, बहन मुबारक हो, आप बिल्कुल ठीक है। चल जल्दी से अब जमील का इलाज कर, मेरा पुत्र लंगड़ा हो गया। पर खूबसूरत तो कह रही थी कि नबील अंधा हो गया माँ जी। हाय मेरा बच्चा अंधा हो गया तो मैं अब क्या करूँगी? आप फिक्र ना करें माँ जी, मैंने बड़े बड़े अंधों को ठीक कर दिया है। चल फिर जल्दी अंदर आ। हाँ ठीक है। वो घबराने की बात नहीं है, असल चश्मे का नंबर चेंज हुआ ना, ठीक हो जाएगा, कोई सी बात नहीं है। तू तो आप अंधा है, कफील का इलाज क्या करेगा है? अरे भाई माँ जी, कितने अंधे जमा कर लिए इस घर में आपने। चल दफा अंदर। चले चले, कहाँ? इधर मुड़ना है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आजा। या अल्लाह, एक अंधा दूसरे अंधे के इलाज के लिए गए, तू खैर कर देना परवरदिगार। अच्छा ये बताओ ये कितने? दो। अरे भाई मैं आपसे नहीं, नबील से पूछ रहा हूँ भाई। अरे ये कैसे बताएगा भाई, ये तो अंधा है। वेरी गुड पॉइंट महमूद साहब, अब जल्दी से जाकर एक फ्रेश जूस का ग्लास ले आइए। लेकिन डॉक्टर मैं जूस नहीं पीऊंगा। अरे भाई फ्रेश जूस का ग्लास मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ भाई। ओहो डॉक्टर साहब, आप ये तो बताएं कि नबील ठीक हो सकता है या नहीं? नहीं भाई नहीं, ये आदमी कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये हमेशा निकम्मा काम चोरी रहेगा भाई। मैं नबील की आंखों के बारे में पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब। खूबसूरत तुम पिसी भी लाल मिर्च लेके आओ जल्दी से। वो भी आप खाएंगे? अरे नहीं भाई, वो मिर्च हम नबील की आंखों में डाल के देखेंगे कि इसे तकलीफ होती है या नहीं। क्या? हाँ 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 भाई, बड़ा मुफीद इलाज है, मैंने खुद अपनी नजरें इसी से टेस्ट की है भाई, यकीन नहीं आता तो चेक कर लो। अच्छा ये बताए ये कितनी उंगलियां हैं? 5। बिल्कुल ठीक है ना मेरी आंखें? ओ यार माँ जी, खूबसूरत यार मुझे इस पागल डॉक्टर से बचा लो, मैं अंदर ही ठीक हूँ यार। ओए डॉक्टर, मेरे अन्य पुत्र के लिए कोई और हाल निकाल, जो नीनू निकालो तो मैं तुझे इतना मारूंगी ना कि लूला लंगड़ा अंधा कर दूंगी, समझे तू? चल पुत्र, मैं तुझे बाहर लेके चलूं, आ जा। ठीक है माँ जी, मुझे लॉन में ले चले। हाँ पुत्र, राइटर ने तो सारे सीन ही कमरे के लिख दिए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे माँ जी मैं जूता पहन लूं। आ जाओ। अखियां वाले भाइयों गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे। अरे यहाँ पे सोच गोरा वे गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे। हाय 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 जानू, ओ जानू, मुझे नहीं कराना इस पागल डॉक्टर से इलाज, तुम पापा जी को बोलो यार हमें अमेरिका भिजवाएं यार, उसका बंदोबस्त करें अमेरिका जाने का हमारा। पुत्र तुझे कसम है, जो अपनी माँ के बगैर तू अमेरिका गया हो। नबील तुम इस हालत में अमेरिका जाके करोगे क्या? जानू मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने इलाज के लिए अमेरिका जाऊंगा। ओ भाई इतने अमीर सुसर का इकलौता दामाद हूँ भाई मैं। पुत्र मुझे लगता है मैं भी कुछ ना अंधी अंधी सी हो रही हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा। चुप है जमीला, तू मेरी बहू नहीं, वो है वो क्या? वो जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। परी? चुप है, वो परी नहीं, वो जिसके पैर उल्टे होते हैं। ओ जानू माँ जी तुम्हें चुड़ैल कह रही है यार। हाँ हाँ, तू मेरी बहू नहीं है, चुड़ैल है। पुत्र ये चाहती नहीं कि तेरी आंखें कभी ठीक हो। हाँ जानू माँ जी ठीक कह रही है,
तुम क्या चाहती हो, मैं सारी जिंदगी अंधा रहूं? अच्छा ठीक है, अगर डॉक्टर साहब तुम्हारा इलाज नहीं कर पाए तो मैं पापा से बात करूंगी। ये चीज मेरे अजीज, माँ जी। हाँ जी। अमेरिका जाने की तैयारी करें। जानू फायर तो नहीं लगा तुझे? नहीं। अच्छा ओके। ओ यार जानू, मैंने नहीं कराना इस पागल डॉक्टर से इलाज यार, आप मेरा अमेरिका का वीजा लगवाओ यार, मुझे नहीं पता। अरे तो जल्दी बताए ना डॉक्टर, क्या हाल है? बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ बस एक छोटा सा ऑपरेशन करके तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे और उसकी जगह दूसरी आंखें लगा देंगे। दूसरी आंखें कहाँ से आएंगी डॉक्टर साहब? भाई इंसान की मिलना तो मुश्किल है, हाँ उल्लू की आंखें लगा देते हैं। क्या उल्लू की आंखें? अरे फिर तो ये सारी रात जागता रहेगा। तो तू ऐसा कर, बिल्ली की आंख लगवा ले, ऐसी चमकेंगी ना कैसा। मैं तो कहता हूँ कि एक आंख शेर की और एक मगरमच्छ की लगवा ले, कम से कम वैरायटी तो होगी ना। और यहाँ मैंने नहीं किसी भी जानवर की आंखें लगवानी यार। डॉक्टर साहब किसी इंसान की आंख नहीं मिल सकती? भाई इंसान की आंखें मिलना तो मुश्किल है, हाँ आप में से अगर कोई अपनी आंखें देना चाहे तो वो दे सकता है। हाँ भाई तो कौन अपनी आंखों की कुर्बानी देना चाहता है? मेरी आंखें तो खुद बड़ी वो हैं डॉक्टर साहब, आप ऐसा करें फरखंदा की आंख ले लें। खूबसूरत माँ जी। हाँ आप इस फरखंदा की खूबसूरत सी आंखें निकाल लें डॉक्टर साहब। भाई आप लोग फैसला कर लें कि कौन आप में से इनको अपनी आंखें दे रहा है, तब तक मैं बेडरूम में जा रहा हूँ आप दूसरे की तैयारी कर लें। अच्छा भी ये बताएं कि मुझे कौन देगा आप तीनों में से अपनी आंखें? हैं? हेलो, ओ भाई क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? महमूद साहब, माँ जी, जानू, सब चले गए हो जालिमो। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, तू लब दे फिरे बाजार कुड़े। बंद करो ये रोना धोना। जिब्रान मेरे पुत्र का दुख नहीं है आपको? जब से ये हादसा हुआ है उसके चेहरे पे कितनी वो नजर आ रही है। मनहूसियत? चुप है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मोमो तुम्हारे बेटे की वजह से पहले इस घर में इतनी मायूसी छाई हुई है, खुदा का खौफ करो कुछ तुम। हाँ हाँ मायूसी मसूद, दीन के चेहरे पे कितनी मायूसी नजर आने लगी है। अरे भाई तो नखरे क्यों कर रहा है, लगवा ले किसी मेंढक या बंदर की आंख, कम से कम नजर तो आएगा ना। एक तो जलील आपकी वजह से अंधा हो गया, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे आपसे जरा सी भी वो नहीं थी। अरे भाई मैंने क्या किया है, मैं तो उसकी मदद कर रहा हूँ। मैं तो एक चर्सी को बहला फुसला के घर लेके आया था कि उसकी आंखें मैं नबील को लगवा दूं, मगर तुम्हारे बेटे के नखरे इतने साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई चर्सी की आंखें लगवाऊंगा तो मुझे हर तरफ चर्सी चर्स नजर आएगी। अच्छा सुने, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी आंखें क्यों नहीं दे देते इफ्तिखार? महमूद। नहीं नहीं महमूद की नहीं, आप अपनी आंखें क्यों नहीं दे देते? अरे भाई मैं क्यों दूं अपनी आंखें, और वैसे भी ये सब उसके अपने किए का नतीजा है। आपके सीने में दिल नहीं है इश्फाक, वो है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने पुत्र के साथ अमेरिका जा रही हूँ और आपको छोड़ के जा रही हूँ। हाँ अरे मेरी बात तो सुनो मोमो, अरे मोमो सुनो तो। अरे डूडी खान तुझे क्या बताऊं, कैसा बेवकूफ बनाया मैंने। अब ना कोई मुझे घर का काम बोलता है, ना ही खूबसूरत नौकरी करने के लिए बोलती है। अरे मेरी जान तुम देखो, अब मैं पापा जी के पैसों पर जाऊंगा अमेरिका, माँ जी को लेकर। महमूद साहब यहीं सड़ेंगे, यहीं सड़ेंगे। मैं खूबसूरत और माँ जी जाएंगे अमेरिका मेरी आंखों के इलाज के लिए। अच्छा चल फोन बंद कर डूडी खान, जा काम कर, कोई सुनी न ले मेरी गुफ्तगू। अच्छा बच्चू अब तुझे मैं बताता हूँ। हाँ भाई, तो
आप में से कौन है जो अपनी आंखें देने को तैयार हो गया कुर्बान करने के लिए, वो आगे आ जाए। ओ जानू मुझे रहने दो यार, मैंने इस डॉक्टर से इलाज नहीं कराना, बस तो मेरा अमेरिका का वीजा लगवाओ यार। नहीं नबील नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस दुनिया में एक नई मिसाल कायम करूंगा। मैं दूंगा अपने बेटे को अपनी एक आंख। अब ये फैसला नबील करेगा कि उसे सज्जी चाहिए या खबी चाहिए। ओए चल डॉक्टर निकाल ले इनकी आंख। हाँ। नहीं महमूद साहब नहीं, मैं आपकी आंख नहीं लूंगा यार, उसमें जरा भी शर्म नहीं होगी, और वैसे ही मुझे एक आंख से क्या नजर आएगा यार। भाई नबील तुम कम से कम मेरी एक आंख से आधी दुनिया तो देख सकते हो ना, मैं तुम्हें अपनी एक आंख जरूर दूंगा। हाँ नबील, जब महमूद साहब इतना इसरार कर रहे हैं तो ले लो उनकी एक आंख। अबे भाई जल्दी डिसाइड कर ले, मुझे एक और मरीज को भी जाके कुत्ते की आंखें लगानी है। मान जा कफील पुत्र, मानता क्यों नहीं तू? ओ माँ जी दुनिया वाले क्या कहेंगे यार, मैंने अपने सौतेले बाप की एक आंख लेके उसे काना बना दिया। मुझे काना मियां मंजूर है पुत्र। चलो बस ठीक है, फिर ऑपरेशन के लिए ले चलते हैं। मजाक किया था आप लोग जॉब से बचने के लिए, मैंने छोटा सा मजाक किया था आप लोगों से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगी इसकी आंखें सचमुच में निकालने के। अच्छा अभी